हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका जीरो डिग्री एंगल्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, तो उसको आज हम लोग अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जीत आर्या और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल। लेट्स स्टार्ट। आइए बोर्ड पे समझते हैं बच्चे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जीरो डिग्री। अब देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। समझिए थोड़ा सा जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको अगर समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम लोग। ये मान लिया कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और जिसमें राइट एंगल कहां पे है, बी पर राइट एंगल है। अब हमको क्या करना है, इसको आप अगर थीटा मानते हो, इसको क्या मानते हो, थीटा मानते हो ए को, तो यहां पे क्या करना है आपको, इसको जीरो के वैल्यू के बराबर लेकर के जाना है, यानी कि इसको जीरो करना है, घटाना है। अब मान लिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा घटाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले यहां तक था, ये पूरा थीटा था, अब इसको छोटा कर दिए थोड़ा सा, तो छोटा करेंगे तो क्या होगा, ये BC का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि हम लोग जो थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग डिक्रीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस बार डिक्रीज करने वाले हैं, यानी कि घटा रहे हैं। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, घटा रहा है, तो साथ साथ क्या हो रहा है, जो BC का वैल्यू हो रहा है भाई, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। यानी कि देखिए BC का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू घटा, यहाँ भी घटा, यानी कि ये देखो यहाँ पे घटा है, BC का साइज भी क्या होता जा रहा है, यहाँ था पूरा, पहले यहाँ था इतना, अब उसके बाद इतना हो गया, फिर छोटा होते चला जा रहा है, होता जा रहा है कि ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे BC का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होते चला जा रहा है। बात समझे? साथ साथ AC का भी वैल्यू जो हो रहा है, AC जो हो रहा है, ये AC है, तो AC का भी वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म, मतलब खत्म नहीं बोल सकते, इसको कम होते जा रहा है। यानी कि AC जो है, AC का भी वैल्यू जो हो रहा है वो डिक्रीज करते जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हो जीरो डिग्री पर लाने पर BC का वैल्यू घट रहा है और AC का भी वैल्यू घट रहा है। BC का वैल्यू जो घटते घटते जा सकता है, कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, वो जीरो बन सकता है। BC का वैल्यू बच्चे लास्ट कहां तक जा सकता है, जीरो तक जा सकता है, और जो AC का वैल्यू है वो इक्वल टू AB हो सकता है। यानी कि लास्ट जाते जाते घटते घटते यहां तक बी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू AB और AC दोनों बराबर हो सकता है। तो इसको हमने नोट में लिख रखा है, यहां पे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या कंसेप्ट समझना है, तीन कंसेप्ट समझना है। यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ज्यादा है वो जीरो लाना है, उसको जीरो डिग्री लाना है, इसलिए थीटा का वैल्यू घटेगा। साथ साथ किसका वैल्यू घटेगा, तो BC का वैल्यू घटेगा। BC का जो वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, यहां पर देखो BC क्या हो जा रहा है, यहां पे अगर आते हैं तो BC का वैल्यू क्या हो जा रहा है बच्चे, जीरो हो जा रहा है, घट जा रहा है। BC का वैल्यू क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यहां पे AB का वैल्यू देखो, AB का वैल्यू क्या हो जा, सॉरी AB और AC का वैल्यू दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, और यहाँ पे एंगल A जीरो डिग्री हो जा रहा है। यानी कि ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, तब आपको वैल्यूज पता चल जाएगा। 90 का भी हमने आगे बताया है, उसको आप देख लोगे। चलिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, When angle A is very close to zero, यानी कि जब angle क्या हो जाए, very close, यानी कि zero हो जाए, तो जब angle zero हो जाए, तो BC का जो gets very close to zero, यानी कि BC भी क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा। साथ साथ आप देखिए वैल्यू किसका होगा, AB और AC दोनों बराबर हो जाएंगे, उसको हमने लिखा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि साइन A, यानी कि साइन जीरो यहां पे हो गया। साइन A कहने का मतलब क्या हो गया, साइन जीरो हो गया ये, ठीक है, साइन जीरो डिग्री बोल दो या तो साइन ए बोल दो, ठीक है। तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कैसे बनेगा, तो यहां पे देखो पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है, तो यानी कि इसके सामने वाला पी क्या हो गया, बीसी हो गया, और एच हमारा एसी है, तो यहां पे क्या हो गया, बीसी बाई एसी, यानी कि जीरो बाई एसी हो जाएगा। तो जीरो बाई एसी करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, जीरो डिग्री। यानी कि कहने का मतलब साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब उसके बाद देखिए, जब एंगल ए इज वेरी क्लोज टू जीरो डिग्री है, तो एसी इज नियरली सेम एज बीसी, मतलब ए बी, यानी कि ए बी और एसी दोनों क्या हो गया है, बराबर यहां पे हो गया है, ये दोनों के दोनों क्या बच्चे, बराबर हो गया है। तो कॉस ए, यानी कि ए बी बाई एसी करेंगे, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो इसके लिए बी हमारा ए बी है और एच हमारा एसी जो हो गया है, इसके बराबर हो गया, तो फिर से दोनों बराबर है, तो यानी कि दोनों कट जाएगा, तो बन जाएगा
वन, ठीक है, यानी कॉस जीरो का जो वैल्यू बनेगा, कॉस जीरो डिग्री का वो वैल्यू होगा वन। समझ में आ गया बात, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा जीरो और कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वन। अब इसी से हम लोग बाकी सब जो बचा हुआ है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो इसमें करना क्या है, हमारे पास साइन जीरो है, अब साइन का उल्टा होता है क्या, थर्ड नंबर ये लिख देते हैं, ये होता है कौशिक, कौशिक जीरो डिग्री। तो कौशिक जीरो डिग्री क्या करेंगे, ये एसी ऊपर रखेंगे और सॉरी एसी ऊपर रखने वाले हैं और जीरो नीचे रखने वाले हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, साथ साथ कौशिक जीरो का वाला। उसके बाद हमारे पास इसको आप सेक की अगर बात करते हैं, सेक जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वन है, तो इसका सेक जीरो का वैल्यू वन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टैन कैसे लिखेंगे, टैन का देखिए कैसे होगा बच्चे, टैन थीटा लिखाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर टैन जीरो का वैल्यू करना चाहते हैं, टैन जीरो का, तो ये साइन जीरो डिग्री और ये कॉस जीरो डिग्री, तो ये साइन जीरो का वन, इसका वन, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, टैन थीटा जीरो का वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू सबका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये जिस प्रकार से हम लोग प्रोसेस निकाले हैं वो आपके लिए मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आसान भाषा में समझाया गया है। उम्मीद है बच्चे समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।